गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गाइए, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गाइए भाव से, गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गाइए भाव से, जहो गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। देखो भैया, शास्त्रों में कीर्तन करने में तीन बातों की बड़ी महिमा बताई है। जब आप प्रभु का कीर्तन करो तो तीन बातों को हमेशा याद रखना। बोले जब भगवान का कीर्तन करो तो जो कीर्तन चल रहा हो उसको आप स्वयं भी अपने मुख से गाना। अब जो कीर्तन करा रहे हैं वो तो गाएंगे, पर आप भी गाना। क्यों गाना? क्योंकि कीर्तन भक्ति को आचार्यों ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। मन्या महे कीर्तनमेव सत्तमम्, कीर्तन से उत्तम कोई भक्ति नहीं है। देखो, नाम जप ध्यान स्मरण श्रवण ये सब एक तरफ और कीर्तन एक तरफ। कीर्तन की महिमा आप समझ लेना, क्योंकि कथा के बीच बीच में हम सुंदर भजन भी गाएंगे प्रभु के, उनका नाम भी गाएंगे, तो कीर्तन की महिमा हमको मालूम होनी चाहिए। देखो, जब आप सुनते हो, अब मैं गा रहा हूं आप सुन रहे हो, तो आपके सुनने से केवल आपका ही कल्याण हो रहा है। समझना इस बात को। कोई दूसरा व्यक्ति यदि कीर्तन कर रहा है, कोई गा रहा है और आप केवल सुन रहे हो श्रवण कर रहे हो, तो सुनने से आपका कल्याण हो रहा है, तो आपको केवल एक ही लाभ मिलेगा कि हम सुन रहे हैं तो हमारा कल्याण हो रहा है। पर यदि आप गा रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, तो आपके मुख से निकलने वाला नाम वो आपके भी कान में पड़ रहा है और दूसरों के भी कान में पड़ रहा है।
यानी सुनने वाला केवल अपना उद्धार करता है, पर भैया जो प्रभु के नाम को गाता है और उच्च स्वर से गाता है वो अपना भी कल्याण करता है और सबका कल्याण करता है। तो कीर्तन भक्ति श्रेष्ठ है, तो जब कीर्तन करो उच्च स्वर से गाओ, प्रभु के नाम को भाव से गाओ, गाइए गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गाइए भाव से जहो गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गाइए ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु। तो पहली बात, जब कीर्तन करो तो जोर से गाओ, भगवान के नाम को अपने मुख से आप पुकारो, उच्चारण करो नाम का। दूसरी विशेष बात, बोले जब कीर्तन हो तो आप नाम तो गाओ पर थोड़ी ताली भी बजाओ। कीर्तन में ताल की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा, क्योंकि राम कथा सुंदर करता ही और संशय बेहद उड़ावन हारी। ताली की बड़ी महिमा है। मेरे पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद आचार्य गोस्वामी मृदुल कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जो कि मेरे पूज्य पिता भी हैं, वो कथा में एक बात कहा करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो आप ताली बजाते हो प्रभु के नाम को गाते हुए, ये ताली क्या है? भैया ये ताली नहीं, ये किस्मत की चाबी है, क्योंकि ताला बड़े दिन से बंद पड़ा है। हमारा ताला जो है ना, हमारे भाग्य का ताला, वो बहुत दिन से बंद पड़ा है। अब उस ताले को खोलना है, तो उस ताले को खोलने की चाबी जो है, ताली जो है, वो यही है। यदि प्रभु के नाम में बजाओगे ताली तो भैया किस्मत का ताला खुल जाएगा। तो ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठाकर भाव से गाओ श्री राधे राधे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।